बच्चों, कोई भी देश ऊंचाइयों तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाके ना चले। जो इंसान स्त्री का अपमान करता है वो इंसान अपनी माँ का अपमान करता है, और जो इंसान अपनी माँ का अपमान करता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाता। बच्चों, कोई भी देश ऊंचाइयों तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिला के ना चलें। जो इंसान स्त्री का अपमान करता है वो इंसान अपनी माँ का अपमान करता है, और जो इंसान अपनी माँ का अपमान करता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाता। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। तो समझे बच्चों, हम सबको नारी की इज्जत करनी चाहिए और कभी भी उन्हें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नारी ही शक्ति है, नारी ही माँ है, नारी ही लक्ष्मी बाई है और नारी ही दुर्गा है। और हर देश की लड़कियों को शिक्षा और नौकरी करने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए। एवं चल शाम को मिलते हैं। सिमरन, चल घर चले। गुरजीत, मेरा दरवाजा खोलो। मामा, मैं नहीं खोल रहा, आप ही खोलो। ओ बेटा, इतना भी काम नहीं कर सकते तुम। कहाँ मरी पड़ी थी तू? दरवाजा नहीं खोला क्या तुझसे? अरे बर्तन धो रही थी, और कहाँ जाना है मैंने? मैं बस आपके लिए खाना लगा रही हूँ। तो खाना बनाकर एहसान कर रही है? तू औरत है, तेरा काम ही यही है। पति बाहर से थका हुआ है, उसकी सेवा कर, खाना बना उसके लिए। सोने से पहले पति के पैर दबा। मालूम है, तुम औरतों को भगवान ने बनाया इसीलिए है। पापा, आप आ गए, मेरे लिए क्या लाए? हाँ बेटा, तेरे लिए रिमोट वाली कार लाया हूँ। बस बेटा, और कुछ समझ नहीं आया। अरे पुत्र, 2000 रख, जाके ऐश कर। और पापा, मेरे लिए? तूने क्या करना है, शांति से बैठी रहे, स्कूल जाने दे रहा हूँ, इतना कम है क्या? We'll be right back.
कितने पैसे कमाए। अरे वाह, इतने पैसे? हाँ इतने पैसे। आज तेरा भाई अपने बाप की तरह शराब पिएगा। शराब पिएगा? तेरी उम्र है शराब पीने की? देख भाई, तुझे पीनी है तो पी ले, मैं तो जा रहा पीने। मुझे कौन सा किसी का डर है जब तक मेरा बाप मेरे साथ है। आ गया बे लौंडे। हाँ भाई आ गया। तू क्या करने आ गया, दूध पीने? नहीं, तेरा भाई शराब पिएगा अपने बाप की तरह। तू शराब पिएगा? शक्ल देखिए अपनी। अबे पीता है तो पीने देना, तेरे बाप का क्या जाता है। पीले पीले। अबे थम जा, थोड़ा धीरे धीरे पी ले। पीले पीले पिएगा और फिर नौटंकी करेगा। नौटंकी नहीं करता मैं, शराब तो मेरे बाप से मेरे खून में आई है। अच्छा, तेरा बाप इतना बड़ा शराबी है? शराबी मत बोल मेरे बाप को, वो तो बेवड़ा है, पी के आता है और माँ को मारता है, और क्या काम है उसके पास। पर तेरे बाप को तो हम जानते हैं यार। अबे हाँ यार, तेरा बाप तो बड़ा शरीफ बनता है। अरे वो तो दिखावा है उसका, ताकि दुनिया से चुपके खान करता रहे। कहाँ से पिट के आ रहे है भाई? अरे वो मार्केट में गया था यार, लड़की जा रही थी, उसको छेड़ दिया, उसके बाप ने मेरी बहुत कुटाई करी यार। हसलो हसलो। गर्मी बहुत हो गई यार, और अब तो खाली दारू और नहीं चढ़ रही। तो अब तेरे लिए यहाँ पे क्या एसी लगवाओ, दारू पी और घर जा। और भाई भाभी के क्या हाल है? साले क्यों भाभी का नाम ले रहा है, साले चढ़ाई भी उतार दी तूने। साला जब घर जाओ चिक 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 मत नाम लिया घर। एक तो काम वैसे ही नहीं है, ऊपर से तेरी अपनी भाभी का नाम ले रहा है। चल रही है तेरी, अब तो खून करना ही रह गया। तो की सारी कमी तेरी बाप ने पूरी कर दी है ना? अरे माँ, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है मुझ पे। अपने बाप के पैसे से पिए, ना कि तुम्हारे पैसे से। अब हटो और मुझे सोने जाने दो। सुनो सुनो, उठो, गुजी शराब पी के आया है। उठो ना, शराब पीने के बाद बहरे हो जाते हो क्या? हमारा बेटा इतनी छोटी सी उम्र में शराब पी गया है। उठो। अरे यार, पी कर है तो क्या हुआ, सो जा और मुझे भी सोने दे। तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात है यार, हमारी बेटी की जिंदगी खराब हो रही है और आपको सोने की पड़ी है। औरत, आवाज नीचे कर अपनी, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वो बेटा है मेरा, जो मन में आएगा वो करेगा। तू होती कौन है बोलने वाली? क्या मैं होती कौन हूं? मां हूं मैं उसकी। और अगर तुम ऐसे बच्चों के सामने मुझसे बात करोगे तो कौन मेरी इज्जत करेगा? कुछ तो इज्जत रख लो मेरी। ले मिल गई इज्जत, अब जुबान बंद रख अपनी।
अपनी, वरना टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा तेरी और तेरी इस बेटी के। किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। माफ रो मत, एक दिन भगवान सब ठीक करेगा और पापा आपसे माफी भी मांगेंगे। भाई तुझे रात को माँ से ऐसे नहीं लड़ना चाहिए था, देखा नहीं था उस वजह से मम्मी और पापा के बीच में कितनी लड़ाई हो गई और पापा ने मम्मी को मारा भी। तो क्या हुआ, सही तो क्या पापा ने? जब माँ को चुप रहने के लिए बोला था तो उन्होंने बोला क्यों? ऐसा कुछ नहीं है भाई, सुना नहीं था पापा कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं स्कूल में औरतों और लड़कियों के बारे में? अरे पागल, वो सब तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होता है, असल में तो दुनिया में औरतों का वही हाल है जो तेरी माँ का है। देवों की मम्मी को ही देख ले, उस दिन उसके पापा ने उसकी मम्मी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, पड़ी हुई चुपचाप हॉस्पिटल में और सबको लगता है कि उनका पैर फिसल गया था। गुरजीत आज तू मेरी बात सुन ले, अगर तूने भी पापा की तरह बनना है तो आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म, ना तू मेरा भाई ना मैं तेरी बहन। अरे जा यार, वैसे भी तेरे जैसी बहन चाहिए किसको। अरे जाके अपनी माँ की गोद में छुप जा, वरना तुझे ही थप्पड़ी पड़ेगा। थप्पड़ तो तुझे मैं पड़वाऊंगी, वो भी बहुत जल्दी। और गुजीत क्या चल रहा है? भाई मैं तो मौज कर रहा हूँ। ओ भाई जरा मौज मत कर, वरना पिटाई लग जानी है तेरी। चलो भाई शाम को मिलते हैं। गुरजीत तू भी आना ना शाम को। अरे काशी तुझे पता है कल रात को पापा ने मम्मी को थप्पड़ मार दिया और अब तो उनका रोज का काम होता जा रहा है, हर रोज शराब पी के आना और मम्मा से लड़ाई झगड़ा करना। क्यों, ऐसा क्या हो गया तेरे घर पे? गुरजीत। क्या हुआ गुरजीत को? अरे कुछ होता ही तो नहीं है उसको, रात को शराब पी के और माँ से लड़ पड़ा। जब माँ ने पापा को बताया तो उन्होंने गुरजीत को डांटने के बजाय माँ को ही गलत बोल दिया और उनको थप्पड़ मार दिया। गुरजीत शराब पी कर आया था? ये कोई उसकी उम्र है शराब पीने की? अरे उम्र तो छोड़ यार, वो तो कहते हैं औरतों को पैरों की जूतियों की तरह रखना चाहिए हमेशा। क्या हम लड़कियां सिर्फ मर्दों के पैर की जूती हैं? नहीं सिमरन, छोड़ उन बेवकूफों को, तो लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानते। तू पढ़ाई पर ध्यान दे, बड़े होकर कामयाब होकर सबका मुँह बंद करा दियो। वो तो बनने करवाऊंगी ही, पर बड़े होने से पहले। चल मैं थोड़े दिन के लिए तेरे घर पर रहने आती हूँ, शायद मेरे सामने अंकल कुछ ऐसा ना करे। पापा कल रात आपने मम्मी को थप्पड़ मार के बहुत अच्छा किया। बेटा मालूम है ये जो औरतें होती हैं ना, ये सिर्फ घर के काम के लिए होती हैं और इनको हमेशा ना पैरों के नीचे रखना चाहिए। हाँ पापा ये तो है। हाँ बेटा, नहीं तो ये औरतें ना सर पर चढ़ जाती हैं और फिर अपनी मनमर्जी करने लगती है। अब बहुत सही करते हो मम्मी के साथ। हाँ बेटा, और तू भी ना शादी के बाद ऐसे ही करना, अपनी बीवी को ज्यादा उड़ने मत देना। हाँ पापा, मैं भी बड़ा होकर सारी औरतों के साथ यही करूँगा। अरे हाँ बेटा, दिन रात मेहनत हम करते हैं, धूप में हम जलते हैं और जब थक कर घर आते हैं क्या मिलता है, इनकी सड़ी हुई शक्ल देखने को मिलती है। खाना भी देते हैं वो भी इनकी शक्ल जैसा, ना खाने का मन करे ना फेंकने का। अब क्या करें हम, थोड़ी सी दारू पी लें वो झगड़ा चालू, फिर यही काम रह गया है अब तो। पर पापा मम्मी भी तो पूरे दिन काम करती रहती हैं, ऐसा तो नहीं है वो हमेशा सोती रहती हैं। अगर आप रोज दारू पी के आओगे तो लड़ाई तो होगी ही ना। तेरे से पूछा किसी ने? चुपचाप बैठी रहे अपनी जगह पर। अच्छा पापा मैं तो जा रहा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने। चल ठीक है बेटा, ओके बाय।
पापा मैं भी जाऊँ खेलने। तेरे को बोला ना चुपचाप बैठी रह, कहीं नहीं जा रही तू। और बता गुरजीत कैसा है तू? और तूने शराब तो नहीं पी दोबारा? पीता तो मैं रोज हूँ, पापा शाम को पैसे दे देते और मैं शराब पी लेता हूँ। छोड़ दे यार, तुझे पता है ना शराब बहुत गंदी चीज है। तुझे पता है ना मेरे और तेरे पापा शराब पीते और फिर हमारी मम्मियों का क्या हाल करते है। अभी चल ना, मेरे पापा तो हमेशा यही सिखाते है कि औरत पैर की जूती है। नहीं गुरजीत, औरत चाहे माँ हो, बहन हो या फिर बीवी, उसे हमेशा इज्जत देनी चाहिए। गुरजीत, औरतों की वजह से ही दुनिया चलती है। पर सोच, अगर माँ खाना ना बनाए तो पापा को तो ये भी फिक्र नहीं होगी कि हमने खाना खाया या नहीं। अपना ज्ञान अपने पास ही रख ले। और ये देख, ये कहाँ से आया तेरे पास? मैंने सुबह पापा की जेब से पैसे चुराए थे और मैं दोस्तों के पास जाके शराब पी लिया। बच्चे के आने का एक चीज का फायदा हो गया हमें। समझा नहीं भाई। मैं धंधे की बात कर रहा हूँ यार। कौन सा धंधा भाई? बच्चा उठा ले क्या? अरे हाँ यार, पैसे तो आएंगे, वैसे ही आजकल धंधे की बैंड बजी पड़ी है। यार तुम लोग जो मर्जी करो, मेरे को तो बच्चे की माँ से मतलब, मेरे को तो वही चाहिए। वो क्या है ना, मैं अपनी वाली से परेशान हो चुका हूँ। जो वो जुआ ही घर जाके चिक 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 चिक। मैं चुप करो, गुरजीत को उठा देते हैं और उसके बाप से पैसे मांगते हैं। पैसे नहीं दिए तो बच्चा खत्म कर देंगे। पर पैसे लिखने कितने हैं? 10 लाख, एक रुपया कम नहीं। 10 लाख का 50% मेरा और बाकी तुम आपस में बटोर लेना। क्यों बे, काम सबका बराबर और 50% तेरा क्यों? पैसा सबको बराबर ही मिलेगा। तुम दोनों बच्चा उठाओगे और तुम दोनों फिरौती की रकम मांगोगे। दे तो आगे। और भला क्या चल रहा है? सब ठीक है छोटे। और बता लौंडे, तेरा क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, वही शराब, वही नशा, वही घर का कलेश। अबे इतनी शराब भी मत पी कि बड़ा होने से पहले ही मर जाए। अबे इतनी पीना इसकी बस की नहीं है, एक क्वार्टर में इसकी जान निकल जाती है। जान निकलने से याद आया, देखे चाकू, देखा है कभी ऐसा? अबे क्या देख रहा है, कभी ऐसा चाकू नहीं देखा है क्या? अबे इसने कहाँ देखा होगा भाई, मुझे दे देना ये। अबे छोटे, तू क्या करेगा इसका, ये तो हमारे काम की चीज है ना। भाई दे देना ये, मेरे पास बहुत पैसे है। ले जा ऐशकर। अबे ध्यान से पकड़ियो, कहीं हाथ ना कट जाए। अबे तू दिक्कत मत ले, अब तो ये अपना हथियार बनेगा। अबे तू टेंशन मत ले और शराब पी, अगर किसी और चीज की जरूरत है तो बोल मेरे को। हाँ भाई, कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगा। तूने चोरी करी और तू क्या करेगा इस चाकू का? रख लूंगा अपने पास, और किसी ने जुबान चलाई तो उसके पेट में जाएगा ये चाकू। पता नहीं यार, तेरी बातों से मुझे डर लगता है। मेरे बाप के पास भी एक चाकू था, लेकिन उन्होंने गुस्से में मेरी माँ को ही मार दिया। भाई मुझे भी डर लगता है इन चीजों से यार, छोड़ दे। अबे चल लड़पक, मैं जा रहा हूँ अपने घर। यार आंटी कितनी डरी हुई सी लग रही है। यार क्या बताऊं, बबी हमेशा ऐसे ही परेशान रहती हैं। अंकल कब से ऐसी लड़ाई कर रहे हैं आंटी से? यार पापा कभी मेरे से और मम्मी से प्यार से बात ही नहीं करते। क्या गुरजीत के साथ भी अंकल ऐसे ही लड़ते हैं? नहीं यार, गुरजीत से तो बहुत प्यार से बात करते हैं और उसके लिए गिफ्ट्स भी लाते हैं। तेरे लिए गिफ्ट्स नहीं लाते?
नहीं यार, पता नहीं पापा को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो उनको बहुत प्यार करती हूँ। यार सिमरन तो परेशान ना हो, भगवान एक दिन सब ठीक करेंगे और तेरे पापा तुझे बहुत प्यार करेंगे। हाँ यार काश वो दिन जल्दी आए। तो टेंशन मत ले यार, सब ठीक ही होगा। पता नहीं किधर रह गया ये, कुत्तों की तरह ढूंढ आया हूं। सारी गलियां देख ली मैंने, पागल बनाकर रखा है अपने बाप को। आने दो आज इसको, मैं बताता हूं। आ गया तू, कहां था इतनी देर से, गली गली जाकर ढूंढा तुझे। अरे बापू क्यों परेशान हो रहे हो, बड़ा हो गया मैं, शराब पीने गया था आपकी तरह। अच्छा बेटा शराब पी जा रही थी, पर एक भी बार सोचा है बाप कितना परेशान हो रहा था। और एक बात बता, मेरी पैंट में से पैसे तूने चुराए? चुराए नहीं बापू, वो तो मेरा ही माल है, आप कमा दे किसके लिए। अच्छा बेटा कुछी, उठो बेटा उठो, अब हट जा यहां से। बापू ये तूने ठीक नहीं किया, अब इस थप्पड़ की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। क्या कर रहा है कुछ, अपने बाप को मारेगा, पागल हो गया तू? भैया आप भी क्या कर रहे हो, चुपचाप रहो तुम सब लोग, वरना तुम लोगों को काट दूंगा। मुझे माफ कर दे कुमार, इतने सालों से तुझे यार सिमरन को इतना परेशान किया, ना तुझे पति का प्यार दिया ना बच्चे का बाप का, कैसा बन गया हुआ कोमल। आज मेरी परवरिश मेरे पे भारी पड़ गई,
जो आज गुरजीत ने किया मैं हार गया हूँ जिंदगी से देख। नहीं जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप कभी हार नहीं सकते। आप तो सिमरन के पापा हो ना, वो ही लड़की जिसने मुसीबत को सामने देखा लेकिन अपने आप के बारे में सोचा है बस आपकी जान बचाने आ गई। ये सब मेरी परवरिश नहीं है, ये हम दोनों की परवरिश है। जिस तरह आप स्कूल में सिखाते हो ना कि औरत सब कुछ कर सकती है, बस ये उसी सीख का नतीजा है कि सिमरन के अंदर इतनी हिम्मत आई। हम दोनों की जो भी गलतियां है उसे भूल जाओ, आप प्लीज पहले जैसे बन जाइए और हमारी जो भी गलतियां है ना उसे भूल जाइए, क्योंकि उसमें हमारे बच्चों का कोई कसूर नहीं। हाँ पापा, आपने स्कूल में जो भी बोला मैंने सब समझा और उसे ही फॉलो करती आई हूँ। पापा मुझे पता है मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ अंकल, सिमरन आपसे बहुत प्यार करती है। नहीं रे पगली, आज तेरे पापा को एहसास हो गया, लड़का हो या लड़की दोनों बराबर है। बस बेटा, फर्क सोच का होता है। बेटा आज अगर तू ना होती तो शायद ये लड़का मुझे आज मार देता, जिसको मैंने इतने नाजों से पाला है। तुझे तो कभी प्यार ही नहीं दिया बेटा मैंने, पर बेटा आज से मैं लड़के और लड़की में कोई भी फर्क नहीं समझूंगा। तुम सबको बहुत प्यार करूंगा, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे बच्ची। नहीं पापा, आप ऐसे मत बोलो, मैं हूँ तो आपकी ही बेटी और आप मेरे प्यार से पापा हो और भाई को हम मिलकर संभाल लेंगे। ओए सुन मेरी बात, अगर आज के बाद मेरे बेटे के साथ दिख गए ना तो अच्छा नहीं होने वाला। आज से गुरजीत और उसके पापा दोनों में से कोई भी शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा, और अगर तुम लोग में से कोई भी मेरे बेटे के आसपास भी नजर आया ना तो एक माँ की ताकत क्या होती है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी। अरे जाओ जाओ, हमें भी कुछ नहीं पड़ी तुम्हारे बेटे की, उसको कहना कि ऐसे अपनी शक्ल मत दिखाए, वरना अब हम उसे दिखाएंगे कि शराब का असली नशा क्या होता है। अबे तुझे मैं बताता हूँ, बच्चों ये है आपकी मैम। मैम आपको पता है गुरजीत मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, आपको पता है मैं इस क्लास में सबसे इंटेलिजेंट हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। वैसे मुझे आप लोगों के बारे में सब कुछ पता है। नहीं मैम, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ। नहीं मैम, मैं इंटेलिजेंट हूँ। नहीं मैम, मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अरे क्या तुम दोनों लड़ते रहते हो, यहाँ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो मैं ही हूँ। कोई भी देश शिखर तक तब तक नहीं पहुंच पाता जब तक उनकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। जो स्त्री का अपमान करता है वो माँ का अपमान करता है, और जो माँ का अपमान करता है वो जिंदगी में कभी सफलता प्राप्त नहीं करता। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। तो समझो बच्चों, नारी की इज्जत हमेशा करनी चाहिए और नारी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नारी ही शक्ति है
नारी ही माँ है, नारी ही लक्ष्मी बाई है और नारी ही दुर्गा है। हर देश की लड़कियों को शिक्षा और नौकरी करने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए।